स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे स्टार्ट होगी, क्यों स्टार्ट होगी, आए जरा इसको देखते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब देखो, आज मैं एक डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा और ये एक बड़ी डेरिवेशन है। ये क्या है भाई, ये एक बड़ी डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन आज स्टार्ट होगी तो ये डेरिवेशन कल तक चलेगी। आज स्टार्ट होगी तो ये कल तक चलेगी, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल जाएंगे इसके। और ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी डेरिवेशन है तो बेटा ये सेक्शन बी में तो आने से रहेगी, किसमें आएगी, सेक्शन सी में। अब इस डेरिवेशन का नाम क्या है, उसको समझने से पहले एक हेडिंग डालते हैं इसका नाम बच्चों, पढ़ो। चलो भाई यहाँ पे तवज्जो दो, नाम पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कोलिजन्स, ठीक है। कोलिजन्स का मतलब क्या होता है, दो बॉडीज का आपस में आगे क्या कर जाना, टकरा जाना, ठीक है। अच्छा भाई सबसे पहले तो इस कोलिजन की फटाफट डेफिनेशन लिख लें आप लोग जल्दी जल्दी, ऑनलाइन वाले खासतौर पर भाई जो बता रहा हूँ सकून से लिखो उसको। हाँ भाई सबसे पहले तो कोलिजन की डेफिनेशन लिखो, कोलिजन क्या होता है, हेडिंग डालिए, डेफिनेशन लिखिए। हाँ भाई डेफिनेशन ये है कि द इंस्टेंट यानी कि वक्त, द इंस्टेंट एट विच two bodies apply equal and opposite forces, equal and opposite forces on each other at the same time is called क्या बच्चों, collision, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, बेटा पहली ने दूसरी से कोलिजन किया, दूसरी ने पहली से कोलिजन किया, ठीक बात है। अब बच्चों जब ये दोनों एक साथ कोलिजन करेंगी तो ये तो खैर मैंने पहले भी बताया था, अगर इसने t is equals to zero पे कोलिजन किया तो दूसरी ने भी कितने भी किया होगा, जीरो पे किया होगा। अच्छा पहले वाले ने अप्लाई करा होगा एक्शन और दूसरे वाले ने क्या दिया होगा बेटा, इसको रिएक्शन। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ और इसका बकायदा हमने फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, और वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, वो फॉर्मूला था ये वाला, याद है, F is equal to delta P upon T। ये हम लास्ट वीक वाली डेरिवेशन में कर चुके हैं। ये देखो यहाँ पर ये वाला काम कराया था, तो असल में ये वाला जो काम था बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं फिजिक्स में, कोलिजन कहते हैं, सही है। अब ये तो पुरानी बात थी, तो मैंने डेफिनेशन से समझाने की नहीं लिखवा दी। अब अगर मैं इसको आगे लेके चलूं बेटा तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, कोलिजन हमारे पास होते हैं बच्चे दो तरीके के, कितने तरीके के, दो। ये है इंपॉर्टेंट, एक कौन सा होता है, इलास्टिक, दूसरा होता है नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक, ठीक है। पहला कौन सा होता है, इलास्टिक, दूसरा कौन सा होता है, नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक। अब पहले तो इनको समझो, इनकी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखवाना, इनको सिर्फ समझा के आगे इम्प्लीमेंट करवाना। होता है क्या है भाई, अगर कोई ऐसा कोलिजन हो जिसके होने के बाद कोई नुकसान ना हो, पढ़ो मैंने क्या लिखा हुआ, नो लॉस, तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक। लेकिन बच्चों अगर कोई ऐसा कोलिजन हो जिसके होने के बाद कुछ नुकसान हो, यानी कि वो क्या हो, विथ सम लॉस, तो बच्चों ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक। अब देखो नुकसान से मुराद क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो कौन से सिस्टम में हो रहा है भाई, आइसोलेटेड के अंदर, तो अब देखो नुकसान होने से क्या होगा और नुकसान ना होने से इसका मतलब क्या है, अब समझिएगा जरा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज आपस में आगे क्या कर गई, टकरा गई। अब मुझे एक बात बताओ, जब दो बॉडीज टकराती हैं तो वो क्या ट्रांसफर करती है, मोमेंटम, मोमेंटम, और साथ साथ वो क्या ट्रांसफर करती है, मूवमेंट। मूवमेंट की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, अगर कोई बॉडी मूव करे तो कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक आती है, बट क्या नाम होता है उसका, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब पता ही चला, जब ये दो बॉडीज आपस में टकराएंगी तो बच्चे ये मोमेंटम तो ट्रांसफर करेंगी, साथ साथ एक और चीज भी ट्रांसफर करेंगी जिसका नाम क्या होगा भाई, मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, हाफ एम वी स्क्वायर, आ रही है बात समझ में। तो बच्चों यहाँ से पता क्या चला, यहाँ से यार ये पता चला हमें
कि भाई अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करें तो उनके अंदर दो चीजों का ट्रांसफर होता है। पहली चीज क्या है? मोमेंटम। दूसरी चीज क्या है? आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब इन दोनों के बेसिस पर हमने दो कोलिजन्स बनाए। पहला कौन सा है? इलास्टिक। दूसरा कौन सा है? इनइलास्टिक। अब सुकून से सुनो, इस सिंबल का मतलब सबको पता है, सिग्मा, टोटल सम। अगर टोटल मोमेंटम कौन सा वाला, इनिशियल, बराबर हो जाए किसके, टोटल मोमेंटम कौन से वाले के, फाइनल, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा मोमेंटम कंजर्व हो गया? हाँ भाई, कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, अगर कोई टोटल वैल्यू इनिशियल, टोटल वैल्यू फाइनल के बराबर हो, तो इसका मतलब होता है कि चीजें आपस में क्या हो रही है, बच्चे, कंजर्व हो रही है। यही बात की थी मैंने। तो बच्चों, इसका मतलब मेरा मोमेंटम क्या हो रहा है यहाँ पे, कंजर्व। अगर किसी कोलिजन में मेरा मोमेंटम कंजर्व रहे और मोमेंटम के साथ साथ मेरी ये चीज भी कंजर्व रहे, बच्चों क्या, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतनी ही क्या हो बच्चों, टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? अगर तो मेरी ये दोनों चीजें कंजर्व रहती हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, तो उसका मतलब मेरे सिस्टम के अंदर कोई नुकसान नहीं हो रहा और मेरा सिस्टम या मेरा कोलिजन किस कैटेगरी में लाया करता है, इलास्टिक में। समझ में आई सारी बात? नहीं, इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल है, आपने बॉल फेंकी दीवार की तरफ, वो गई, बाउंस बैक होके मेरे पास वापस आ गई, कोई नुकसान नहीं हुआ, जितना मोमेंटम था सब वापस मिल गया। तो दिस इज कॉल्ड कौन सा कोलिजन भाई, आपका इलास्टिक कोलिजन। समझ में आ गई सारी बात है? अब हम समझते हैं ऐसा कोलिजन जिसमें क्या होगा, नुकसान होगा। नुकसान से मुराद अभी देखना। अब नुकसान किस चीज का होगा, देखो, अगर आपके पास जो बॉडी है वो इनइलास्टिक कोलिजन करती है, तो बेटा इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तब भी सेम ही रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा बच्चों, तब भी। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, इसकी एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। यहाँ देखें, ये बड़ी बॉडी है, ठीक है, इसका मास ज्यादा है तो उसकी स्पीड खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम। इसका मास ज्यादा है तो उसकी स्पीड खुद ब खुद क्या हो जाएगी बच्चों, कम। अगर इसकी जगह पे एक छोटी बॉडी आ जाए, तो बच्चों उसका मास कम है तो स्पीड खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब मोमेंटम हर सूरत में अपने आप को बैलेंस करेगा। अगर मोमेंटम एक बड़ी बॉडी का है तो मोमेंटम का मास ज्यादा होगा तो स्पीड खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कम। लेकिन अगर मोमेंटम को एक छोटी बॉडी का है तो मास कम होगा तो स्पीड खुद ब खुद क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा। इसका मतलब एक बार अच्छी तरह से दिमाग में बिठाएं, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक हो, मोमेंटम दोनों सूरतों में क्या रहेगा, सेम नहीं, कंजर्व। क्या रहेगा? कंजर्व। आगे बात समझ में? तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो चीज कंजर्व नहीं रहेगी वो कौन सी होगी, मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी? तो बच्चों, अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर ना हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के, तो ये किस चीज में जाती है, लॉस में। और अब कोलिजन कौन सा कहलाएगा, इलास्टिक या इनइलास्टिक? आई बात समझ में? तो अब मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व है या नॉन कंजर्व? अब सवाल उठता है कि सर ये लॉस हो रही है, नॉन कंजर्व्ड थी, जा कहाँ रही है? सिंपल सी मिसाल है, आसान सी मिसाल देता हूँ। दो बॉडीज टकराती हैं, अगर आपके पीछे कोई दो बॉडीज टकराए आपको पता लग जाएगा दोनों टकराई हैं। हाँ, कैसे? आवाज आएगी, उसका मतलब साउंड क्या है, एनर्जी। तो वो आवाज जो आपको मिली वो भी कहाँ से आई होगी, मोमेंटम से आई होगी, एनर्जी से आई होगी? भाई एनर्जी है तो एनर्जी से ही निकलेगी ना, मोमेंटम है तो मोमेंटम से निकलेगा। तो आवाज एनर्जी है, मोमेंटम नहीं है। तो आवाज एनर्जी है तो वो एनर्जी कहाँ से हासिल होगी, मोमेंटम से या काइनेटिक एनर्जी से? आई बात समझ में? तो बच्चों, जब भी दो बॉडीज टकराती हैं आवाज प्रोड्यूस होती है, अगर आवाज प्रोड्यूस होती है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, लॉस, और आपकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के बराबर नहीं रहती। आई बात समझ में? तो इसका मतलब रियल लाइफ में जितने कोलिजन होते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, और असल जिंदगी में नहीं फर्जी जिंदगी में जो कोलिजन होते हैं वो कौन से होते हैं? याद रहेंगी सारी बातें? तो असल डिस्टिंग्विश हो रहा है काइनेटिक एनर्जी पे, बराबर है तो इलास्टिक, बराबर नहीं है तो। याद रहेंगी सारी बातें? चलो कॉपी करो जल्दी से, फटाफट शुरू हो जाओ। नहीं अभी नहीं, ऑनलाइन में भी नहीं। अभी नहीं आया, उसे फायर नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है। मोहम्मद सुफियान खान, नूरुद्दीन, मोहम्मद यासिर,
क्या हुआ निकली तो नहीं सी गेट ऑनलाइन में ऑनलाइन उमर खान अब्दुल्ला मोहम्मद साकिब मोहम्मद अली मोहम्मद बेग ऑनलाइन में सभी अफजल सैयद मोहम्मद असद मोहम्मद उदय सिद्दीकी मोहम्मद उदय महान जाफर हाँ बेटा असल में जितने भी कोलिजन हम कराते हैं फिजिक्स में सब आइसोलेटेड आइसोलेटेड का मतलब फ्रिक्शन रिएक्शन हटाने तो अगर आवाज तो नहीं हटा सकते ना आवाज तो एनर्जी है तो आवाज नहीं आ रही तो इलास्टिक आवाज आ रही है तो इलास्टिक ये है दोनों आइसोलेटेड में यहाँ भी आइसोलेटेड ही होगा कौन था ये अच्छी बात है तो जब मैं कैसे करता हूँ देखेगा हाँ बच्चों जब ये कॉपी हो जाए तो मैं डायग्राम बनाना शुरू कर रहा हूँ साथ साथ बनाते रहो इसमें मोमेंटम कंजर्व है काइनेटिक एनर्जी एक में है एक में नहीं है जिसमें बराबर नहीं है वो उसमें कंजर्व नहीं है ठीक है अच्छा भाई एक सवाल कर लेता हूँ तुम लोगों से जब तुम लोग कॉपी कर लोगे यहाँ देखो भाई ये कंजर्व है और ये कंजर्व नहीं है अच्छा बच्चों कंजर्व ना होने का मतलब वैल्यू बराबर नहीं है कम ज्यादा है तो बेटा अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करवाऊं तो वैल्यू किसी कम होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की फाइनल की अगर वैल्यूज के हिसाब से बताएं तो किसी कम होगी ऑब्वियसली बात है फाइनल की वैल्यू कम होगी और इनिशियल की वैल्यू क्या होगी ज्यादा तभी वो दोनों आपस में क्या है नॉट इक्वल है ठीक है भाई पक्की बात है चले जी अब आपने लिख लिया और नहीं लिखा लिखे ने और अब एक हेडिंग डालिएगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन बच्चों ये एक बड़ी डेरिवेशन है ठीक है और ये आज शुरू होगी कल तक जाएगी और 7 नंबर की आती है 6 नंबर की आती है और ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था बस इसमें मैथ्स बहुत है सॉल्व करना बहुत है तो कैसे करते हैं आराम आराम से कराऊंगा मैं आप लोगों को ठीक है डायग्राम बना लो भी स्टार्ट करते हैं हाँ डायग्राम बनाने वाले अच्छा एक काम कर सकते हो अगर डायग्राम बना रहे हो तो सही है बना ये वही वाली डायग्राम है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली थी कॉपी पेस्ट कर लोगे हो जाएगा बनाने से बच जाओगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो डायग्राम थी बॉडीज की वही है जिनके पास वो नहीं है वो बना लें जिनके पास बनी हुई है उनको जरूरत नहीं है वो कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा लेकिन डायग्राम इंपॉर्टेंट है भाई मैं इसको मार्क कर लेता हूँ ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है और इसको समझाने की भी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों एक बॉडी है M1 इनिशियल स्पीड क्या है उसकी दूसरी बॉडी है M2 इनिशियल स्पीड क्या है दोनों का आपस में क्या हुआ कोलिजन अच्छा कोलिजन के बाद U1 किसमें कन्वर्ट हो गया और U2 किसमें कन्वर्ट हो गया आई बात समझ में ठीक है अच्छा भाई यहाँ पर हो रहा है इन इलास्टिक कौन सा कोलिजन हो रहा है इलास्टिक कोलिजन ठीक बात है तो इसका मतलब इन दोनों बॉडीज का मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और क्या कंजर्व रहेगी सही अब कैसे रहेगी क्यों रहेगी देखते हैं अभी हाँ ठीक है ना हाँ ये अली बे के बाद लेवाया ठीक है चलो भाई लिखना शुरू करो फटाफट जल्दी जल्दी शुरू हो डायग्राम नहीं बनाई क्या
पहले लिख लो फिर बना लेना सुकून से। हाँ भाई लिखवाऊं? ट्रांसफर ना करने करने ये लगाओ ये लगाओ दिन आज तो बच्चे काम है ऑनलाइन। हाँ भाई कंसिडर टू बॉडीज, जल्दी जल्दी लिखो ऑनलाइन वालों, जल्दी साफ साफ लिखो। कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस, कंसिडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 मासेस, m1 एंड m2 विच आर मूविंग in a straight line, which are moving in a straight line, which are moving in a straight line with initial velocities, which are moving in a straight line with initial velocities, with initial velocities of u1 and u2. With initial velocities of क्या बच्चों u1 and u2, ठीक है भाई, comma after colliding, comma के बाद लिखिए after colliding elastically, after colliding elastically, elastic collision की है ना, after colliding elastically with each other, after colliding elastically with each other, after colliding elastically with each other, their final velocity changes to v1 and v2 respectively. Their final velocity changes to क्या बच्चों v1 and v2 respectively. ठीक है भाई, क्लियर बात है, ठीक है भाई। अब वो जो पहले लिखवाया था वही लिखवाया तकरीबन, बस कुछ चीजें बदल गई है, तो अगर आप एक को याद करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद ही याद हो रहा होगा। खैर अब साथ साथ लिखते हैं, बस ये काम खत्म होगा और आज डेरिवेशन को आधे स्टेप पे रोकूंगा, बाकी इंशाल्लाह कल कराऊंगा। अच्छा भाई ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसका मतलब इसके ऊपर लग रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और साथ साथ क्या लग रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, ठीक बात है। तो बच्चों ये सब लिखने के बाद सबसे पहले अप्लाई करेंगे क्या, चले भाई लिखना शुरू करें, अप्लाइंग लॉ ऑफ, पढ़ो भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अच्छा भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सबको याद ही होता है, नहीं याद तो यहाँ पे देख लो क्या था बच्चों, m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus क्या बच्चों m2 v2, ठीक है भाई। अब देखो मुझे ना असल में इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है, मैथ्स है, इसके बाद फिजिक्स तो बस यहाँ पे दो स्टेप में खत्म हो जाएगी, इसके बाद सिर्फ मैथ्स करानी है। अच्छा भाई अब मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं टू वाली चीजों को एक तरफ ले जाता हूँ और वन वाली चीजों को एक तरफ ले आता हूँ, ठीक बात है। तो अगर मैं ऐसा करूं, बोर्ड की तरफ देखते रहो भी जल्दी जल्दी, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, वन वाली एक तरफ जाएंगी टू वाली एक तरफ आएंगी, इसका मतलब ये इधर चला गया और ये इस तरफ आ गया, तो इस तरह दिखेगा एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन, ठीक बात है, एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन, ठीक है जी। बच्चों ये प्लस का जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो बेटा ये क्या बनेगा एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू, आई बात समझ में, मसला तो नहीं है। हाँ भाई सही है, अब जरा देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है और इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, एम वन, तो बच्चों अगर मैं एम वन को कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा अंदर यू वन माइनस वी वन, बेटा यहां से क्या कॉमन आ रहा है बराबर से, तो बच्चों अगर M2 को कॉमन निकालें तो क्या बचेगा V2 माइनस U2, ठीक है भाई। अच्छा V और U का जरा फर्क रखिएगा क्योंकि अभी आगे चल के बहुत सारे V और U आ जाएंगे, तो अगर आपने फर्क नहीं किया तो एक साथ मिक्सअप हो जाएंगे, अक्सर ऐसा ना होता है कि कटिंग हो जाती है कभी कभार, तो जरा फर्क रखिएगा U में और V में, वरना आप ही को परेशानी होगी आगे, तो
कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन का, ठीक है भाई। चलो भाई ये बन गई क्या बेटा, मेरी इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, क्लियर है। ये तो मैं अप्लाई कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब क्या अप्लाई करूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसके नीचे लिख देते हैं, आप लोग कॉपी करते जाएं, कोई मुश्किल काम नहीं है, वही चीज होगी दोबारा से। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या बच्चों, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा अब इसको हालांकि है बड़ा आसान, लेकिन तुम लोग ना फौरन इवेल्युएट नहीं कर पाते सर करना क्या है। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबके दिमाग में है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा दो मिनट की नहीं यहाँ पे देखो सकून से बच्चे, अगर मैं इस बॉडी की नहीं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो इसका मास क्या है, इसकी स्पीड क्या है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, हाफ एम वन यू वन का स्क्वायर, ऐसी होगी। इसका मास क्या है, स्पीड क्या है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखूंगा, हाफ एम टू यू टू का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा ना। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक जुगाड़ तरीका है, क्या ये पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, इस सबके साथ साथ हर फैक्टर के साथ क्या लगाते रहो, हाफ, और हर किसी की वेलोसिटी के ऊपर क्या लगाते रहो, स्क्वायर। तो आपका ऊपर वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक बात है। दूसरा तरीका ज्यादा आसान, दूसरे से करते हैं। क्या बोला मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो याद ही होगा सबको, हर फैक्टर के साथ क्या लगाते रहे, हाफ मास ऐसी लिखें और जो वेलोसिटी है उसके ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर, प्लस हाफ मास ऐसी लिखें वेलोसिटी के ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ, अब क्या बनेगा, एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, आ गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई मसला इसको लिखने में लड़कों लड़कियों, नीचे वाला ये देखो, ये एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखो ये मास है और बेटा ये क्या है, वेलोसिटी, मुझे मोमेंटम को कन्वर्ट करना है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी पे क्या लगा दिया आपने, स्क्वायर, और हाफ ऐसी लगा दी, ठीक है। तो हर फैक्टर के साथ हाफ लगा दिया, मास को ऐसी छोड़ दिया, वेलोसिटी के ऊपर क्या ऐड कर दिया, स्क्वायर। समझ में आ गई यहां तक बातें, ठीक है। चलो भाई अब मुझे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करानी है, वो कराता हूँ, काम खत्म हो जाएगा। कॉपी कर लिया यहां तक, करो 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 जल्दी करो, चलो भाई जल्दी लिखो इसको फटाफट, इसको थोड़ा सा मोल्ड वोल्ड करेंगे और बस काम एंड हो जाएगा इसका हमारा। ठीक है, चलो भाई देखो वही काम करना है दोबारा से बेटा, वन वाली चीजें एक जगह बुला लेते हैं और टू को एक जगह भेज देते, ठीक है। तो जो काम ऊपर करवाया था वही काम होगा, ये चला जाएगा इस तरफ और बच्चों ये आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा बताओ, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर माइनस क्या बचेगा बच्चों, हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, कोई परेशानी, इज इक्वल्स टू बेटा ये तो एज इट इज आ जाएगा, हाफ एम टू बी टू का स्क्वायर, और बच्चे जब ये इस तरफ से इस तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस हाफ एम टू यू टू का स्क्वायर, क्लियर है। अब मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा आप लोगों से, बच्चों इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, चलो हट जाएगा ये बता दें कि भाई 10 मिनट रह गए, लंबी नहीं करनी आप। हाँ भाई इसमें और इसमें क्या कॉमन है, हाफ और एम वन बराबर में क्या कॉमन है, हाफ और एम टू, एक ही स्टेप में निकाल लूं कॉमन, ये कुछ यूं बन जाएगा ना, हाफ एम वन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ये बन जाएगा हाफ एम टू वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर, पक्की बात है, कुछ कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल होगा, हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, एम वन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम टू वी टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर। चलो भाई वहां क्या पूछ रही है, हाँ अच्छा वहां पूछ रही है, हाँ नहीं नहीं देखो यहाँ देखो,
ये फॉर्मूला लिखा है पूरा, समझ में आ गया ना बेटा। इसको उठा के हमने यहाँ फेंक दिया, तो ये तो पहले से मौजूद था, ये प्लस वाला था, ये इधर जाएगा किसमें आ गया माइनस में। हाफ और हाफ तो कॉमन है, एम टू और एम टू तो कॉमन है ना, तो आपने एम टू को बाहर निकाला, बाकी एज इट इज सब लिखा इज इक्वल टू पहले वाला। ये देखो ये एज इट इज लिखा हुआ है अपनी जगह पे, ये यहाँ पे प्लस में था, जब ये इस तरफ भागा तो किसमें आ गया माइनस में, तो हाफ तो फिर कॉमन आ गया। M1 दोनों में कॉमन था, M कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन है ना, प्लस कॉमन तो निकल सकता है। हाँ बच्चों, ये जो इक्वेशन बनी है आपके पास ये वाली बेटा, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, और इसको हम कह देते हैं हमारी कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक बात है, क्लियर है। अब यहाँ पे काम रोकूंगा मैं, और इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगा कल। कल सिर्फ मैथ्स होगी पूरी क्लास में, दो इक्वेशन हैं, दोनों को पकड़ के सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला बनाने के बाद रिवायती तौर पे एक न्यूमेरिकल होगा। हाँ शीट दी थी वो सब लेके आएंगे कल, क्योंकि वो जो न्यूमेरिकल है उसी से कराऊंगा मैं, कल मैं ला दूंगा दोनों स्थान। ठीक है भाई, क्लियर बात है। चलो भाई कॉपी करते रहो जल्दी जल्दी, जिसने कॉपी कर लिया है अल्लाह अल्लाह। जो गैप आएगा उसमें मतलब चलो भाई।